एक ओल्ड टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ प्यार हो जाता है, पर इन दोनों में 30 साल का एज डिफरेंस था। तो क्या इनकी स्टोरी आगे बढ़ पाएगी, या आज की हमारी मूवी एलएलई 2008 की मूवी में हम देखेंगे। ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर डेविड को देखते हैं। डेविड एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेसर था और उसे एक सेपरेट टीवी शो भी दिया गया था। ये बीच बीच में रेडियो पर मूवीज और प्ले के रिव्यू भी देता है। इसी तरीके से आज उसकी एक इंटरव्यू चल रही थी, किस तरीके से रिलेशनशिप इवॉल्व हुए इसके बारे में उसने अपने बुक में लिखा था। इसके बारे में डिस्कस करते हुए कहता है कि एक ट्राइब हुआ करती थी 1900s में। वहां पर एक दूसरे को पाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, उस तरीके से कोई भी स्ट्रगल नहीं था। उन लोगों को जो चाहिए वो हमेशा वो करते रहते थे। 1950s या 60s की अगर हम बात करें तो फील्ड होना, फार्मर होना बहुत ही अच्छी बात माना जाता था। अगर आपके पास ये सब है तभी आप शादी कर सकते हो। इसी टाइम में डेविड की भी शादी हो गई थी, पर इसके बाद फिर से अमेरिका में नई वेव आई। सब लोग डेट करने लगे, किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए उन्हें शादी करने की जरूरत नहीं थी। इंटरव्यूअर ने पूछा कि जल्दी शादी करने का तुम्हें कुछ पछतावा है? डेविड ने कहा कि ऑफकोर्स है, पर ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। ये जो हमारा सीन था, ये डेविड के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर देता है। वो किसी भी एक जगह पर स्टक नहीं रहना चाहता, यही रीजन था उसका डिवोर्स भी हो चुका है। वो हमसे कहता है कि ओल्ड एज की एक बहुत ही अजीब बात होती है, ये अचानक से आ जाता है और आप कभी रियलाइज भी नहीं करते, अंदर से तो आप यंग ही फील करते हो। वो फिर अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। उसने कहा, कौंसेला मेरी स्टूडेंट थी, बाकी स्टूडेंट में से वो बहुत ही अलग लगती थी। वो इस तरीके से ड्रेस करती थी जैसे किसी लॉयर फर्म में वो काम करती हो। हमेशा ब्यूटीफुल लड़कियां और मैं कभी भी दूर नहीं रह पाए। कॉलेज के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल थे कि कोई भी स्टूडेंट और प्रोफेसर में कुछ भी होना नहीं चाहिए या किसी तरीके से केस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इस पर डेविड ने अलग सोल्यूशन निकाला था। जब उसकी क्लास ग्रेजुएट होती है तो उनके लिए पार्टी रखता है। यहाँ पर उसे जो भी लड़की अच्छी लगती है उसे अप्रोच करता है। कंसुला की क्लास खत्म होने के बाद भी वो इसी टाइप की पार्टी रखता है। डेविड के घर में काफ्का का लेटर था, ये देखकर कंसुला बहुत ही सरप्राइज्ड होके इस पर बातें करने लगते हैं। कंसुला ने डेविड के घर में पियानो देखा था तो पूछती है, क्या तुम प्ले करते हो? डेविड कहता है, प्लीज मुझे सबके सामने प्ले करने के लिए मत बोलना। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। डेविड ने कहा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अलग है, ये बहुत ही पावरफुल वाइब्स देती है। कंसुला ने कहा कि शायद मेरे फादर से मुझे मिलते हैं। डेविड उसके बारे में और भी जान लेता है। कंसुला कहती है कि पहले मैं लॉ फर्म में काम करती थी, पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि ओवरसीज जाकर मैं अच्छी सी एजुकेशन करूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ आई हुई हूँ। अलग अलग फिलोसॉफी, म्यूजिक, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। डेविड को कंसुला बहुत ही अच्छी लगी थी, तो इस वजह से सारी बातें उसकी सुन भी लेता है। फाइनली डेविड ने उसे पूछ लिया, एक प्ले होने वाला है, क्या तुम वहाँ मेरे साथ चल सकती हो? कंसुला भी इसके लिए उसे हाँ कहती है। अब नेक्स्ट सीन में कंसुला के बारे में डेविड और उसका फ्रेंड जॉर्ज ये दोनों बात कर रहे थे। जॉर्ज को यह सब बहुत ही अजीब लगता है। वो कहता है, तुम उसके साथ प्ले देखने के लिए जाओगे, तुम्हारी एज क्या है, उसकी एज क्या है, तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो नहीं सकता। अगर तुम्हें सिर्फ इंटीमेसी की रिलेशनशिप चाहिए तो उसमें ये सब चीजें मत डालो। डेविड को कंसुला बहुत ही पसंद आई थी और इन सारी चीजों को इग्नोर करता है। आज रात हम डेविड को कैरोलिन के साथ इंटीमेट होता देखते हैं। कैरोलिन उसके एज की है, वो एक बिजनेसमैन है तो कभी भी सिटी में नहीं रहती। जब वे आती है तो डेविड के साथ ही होती है। ये पिछले बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों जब इंटीमेट हुए तभी डेविड को अपने बेटे का कॉल आया था। डेविड उसका कॉल उठाता नहीं क्योंकि उसका बेटा हमेशा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जैसे कि हमें पता है कि डेविड का डिवोर्स हो चुका है, बहुत यंग एज में अपनी बीबी और बच्चों को छोड़कर वो चला गया था। वो अपने बेटे से रिलेशनशिप तो मेंटेन करना चाहता है, पर उसका बेटा हमेशा उस पर ज्यादा ही गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में कंसुला और डेविड प्ले पर गए। डेविड कहता है कि हम किसी और प्लेस पर चल सकते हैं। कंसुला ने कहा, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, उसे इतने ज्यादा लोग पसंद नहीं। डेविड कहता है, तुम मेरे घर आ सकती हो। कंसुला कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो, अगर मैं तुम्हारे घर आई तो तुम मेरे लिए पियानो बजाओगे। डेविड भी ये बात मान लेता है। कंसुला को डेविड के टैलेंट बहुत ही अच्छा लगा था। डेविड को फोटोग्राफी का भी शौक है तो उसने अपने फोटोज भी उसे दिखाए। इन्हीं सब बातों बातों में एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसी मीटिंग के बारे में नेक्स्ट सीन में डेविड और उसका फ्रेंड जॉर्ज ये दोनों बात कर रहे थे। जॉर्ज इन सारी बातों से बहुत ही सरप्राइज था। वो कहता है, तुम दोनों में कुछ भी होने नहीं वाला, वो फिर से कभी भी तुम्हें कॉल भी नहीं करेगी, वो सिर्फ तुम्हें एक यंग एज का एक्सपीरियंस समझेगी। पर डेविड कहता है कि वो फिर से मेरे पास आई थी, मतलब उस रात के बाद इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया था। डेविड ने कंसुला से कहा, मैंने पूरी लाइफ में तुमसे ब्यूटीफुल लड़की कभी भी नहीं देखी,
कंसुला डेविड से पूछती है कि तुम्हारे कितने अफेयर्स थे। डेविड ने कहा कि 40-50 होंगे, पर काउंट कौन कर रहा है। वो कंसुला से पूछता है, उसने कहा कि आज तक 5 बॉयफ्रेंड थे। इस बात से डेविड जेलस हो गया था। वो रियलाइज करता है कि वो कंसुला को कभी भी अपने खुद के लिए पा नहीं सकता। इस बात की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो गया था। उसे पता था कोई ना कोई यंग आदमी आएगा और कंसुला को उससे दूर चुरा कर लेकर जाएगा। वो कंसुला को हमेशा अपने पास चाहता था। जॉर्ज उसे समझाता है कि तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, आज ना कल वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तो आज ही अगर तुम मूव ऑन करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब इसी ब्रेकअप के बारे में बात करने के लिए डेविड कंसुला के साथ एक बीच पर गया हुआ था। कंसुला कहती है, मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि वो अलग अलग प्लेसेस पर घूमने के लिए जाए, पर पूरी लाइफ में वो कभी भी कर नहीं पाए। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती, अलग अलग प्लेसेस पर जाना चाहती है। अब डेविड को बात तो करनी थी ब्रेकअप की, पर उसने कहा क्यों ना हम दोनों घूमें, हम बहुत सारी जगह पर जा सकते हैं। एक दिन कंसुला ने डेविड से कहा, कल हम दोनों मिल नहीं सकते, कल मेरा ब्रदर आने वाला है, उसके साथ ही पूरा दिन मैं स्पेंड करूंगी। डेविड पूछता है, क्या सचमुच में तुम्हारा ब्रदर ही है? कंसुला ने उसे बहुत ही घटिया लुक दिया कि वो इस तरीके से कैसे सोच सकता है। डेविड सिचुएशन को संभाल लेता है और कहता है, मैं सिर्फ जोक कर रहा था। पर ये जोक नहीं था, वो पूरे दिन सिर्फ कंसुला के बारे में ही सोच रहा था। उसे लगता है कि वो किसी और के साथ है। कंसुला जहां पर जाने वाली थी रात में वो वहीं पर पहुंच गया। वो पूछती कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? डेविड ने कहा कि मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए मैं नेबरहुड में आया हुआ था। कंसुला कहती है, ये सारी चीजें नहीं चलेगी। इन दोनों की इस पर फाइट हो गई। अगले दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कंसुला कहती है, हम दोनों के बारे में मैं सोच रही थी, उसे डेविड को तो जाने देना चाहिए, पर ये बात वो नहीं कर सकती। उसे पूछती है, हम दोनों में तुम्हें क्या फ्यूचर लगता है? डेविड ने कहा कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचकर डरने लग गया हूँ, हम दोनों में 30 साल का एज डिफरेंस है। कंसुला कहती है, मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस बात से दोनों बहुत ही खुश थे। डेविड हमेशा अपने आप पर डाउट करता है कि कंसुला उसके साथ क्यों है, वो खुद यंग नहीं कि कंसुला उसके बॉडी के लिए उसके साथ हो। अभी भी उसने कैरोलिन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा है। उसे लगता है कि जब वो यंग था तब से कैरोलिन उसे जानती है, एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है, तो उसे वो जाने नहीं दे सकता। कैरोलिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सेफ्टी है। एक दिन जब कैरोलिन और डेविड इंटीमेट हुए तो कैरोलिन को कंसुला का टैम्पॉन मिल जाता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो डेविड से पूछती है कि ये क्या है, हम दोनों में जो भी है ये बहुत ही परफेक्ट है, पर इसके बदले में मैंने सिर्फ तुमसे एक ही बात मांगी है कि तुम मुझसे ऑनेस्ट रहो। वो डेविड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती, पर डेविड कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी मैरिज हो चुकी है, उसका अफेयर था तो एक लड़की को लेकर वो आया हुआ था। कैरोलिन भी उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड और कंसुला ये अलग अलग प्लेसेस पर घूम रहे थे। वो उसकी बहुत सारी फोटोज लेता है, वो सोते वक्त ड्रूल करती है, फिर भी डेविड को बहुत अच्छा लगता है। इन सारी बातों को देखकर जॉर्ज ने उसे कहा कि ब्यूटीफुल लड़की की यही प्रॉब्लम है कि तुम उसे सही तरीके से जान नहीं सकते, उसकी ब्यूटी की वजह से वो तुम्हारे लिए इनविजिबल होती है। एक दिन कंसुला ने डेविड के फ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखा, उसे बहुत ही गलत लगता है। डेविड कहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं। कंसुला ने कहा कि मुझे इस तरीके से कुछ भी बात मत बताओ, मुझे पता है कि उन दोनों में अफेयर होगा। डेविड कहता है कि शादी करना मेरे लिए एक मिस्टेक थी। कंसुला समझ लेती है कि डेविड के लिए कमिट करना है बहुत ही हार्ड है। इन दोनों को एक दूसरे को डेट करते हुए इतने सारे दिन हो चुके हैं, पर फिर भी डेविड कोई भी कमिटमेंट नहीं दिखाता। तो कंसुला उसे कहती है कि मेरी एक पार्टी है जहाँ पर तुम मेरी फैमिली से मिल सकते हो, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डेविड पहले हेसिटेट करता है, फिर इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बारे में जो अपने फ्रेंड से वो बात कर रहा था तो कहता है कि वो लोग सब मुझे क्रीप समझेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब होगा। जब इस पार्टी का डे आया तो डेविड तो रेडी था, पर फिर भी उसे यहाँ जाना सही नहीं लगता। वो कंसुला को कॉल करता है कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, आज मैं आ नहीं सकता। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए। कंसुला ने उसके घर पर एक मैसेज छोड़ा, कहता है तुम लोगों के सामने बहुत ही वाइज लगते हो, अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हो। जब मैंने एक पार्टी रखी जो मेरी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तुम्हारा मेरे पेरेंट्स से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो तुम वहाँ पर आए नहीं, आखिर मुझे समझ में नहीं आता मैं तुमसे प्यार करती क्यों हूँ। उसे फ़ोन पर ही ब्रेकअप कर लेती है। रात में डेविड से मिलने के लिए उसका बेटा आया। जैसे कि हमें पता है कि डेविड अपनी फैमिली को छोड़कर गया था, इस वजह से उसका बेटा उसे हेट करता है, पर आज उसका बेटा आकर उसे कहता है कि मेरा अफेयर चल रहा है। उसे किसकी एडवाइस लेनी चाहिए इसके बारे में पता नहीं था। जिस लेडी के साथ उसका अफेयर चल रहा था उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है।
डेविड ने कहा कि कुछ भी हो जाए, अपनी वाइफ को कुछ भी मत बताना। उसके बेटे ने ऑलरेडी अपनी वाइफ को बता दिया था। जिसके साथ वो अफेयर कर रहा है उसके पेरेंट्स को भी मिलने जाने वाला था। डेविड कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत ही अलग है। मुझे पता था कि मैं मैरिज में टिक नहीं सकता, इसी वजह से एक डिग्निटी से मैंने डिवोर्स ले लिया था। उसका बेटा कहता है कि आपका लॉजिक बहुत ही घटिया है। डेविड ने उसे क्लियर किया, कहा कि तुम्हारे पास एक ही फादर है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता हूँ, तुम्हें भी इसके लिए कुछ एफर्ट करने चाहिए। कंसुला के जाने के बाद डेविड बहुत ही अपसेट था, तो उसका फ्रेंड उसके पास आया, उसे अपने हाथों से खिलाता है। डेविड कहता है तुम्हारी वाइफ बहुत ही लकी है। उसके फ्रेंड ने कहा कि बहुत सालों बाद मैं और मेरी वाइफ में अब बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लाइफ में इस तरीके से अलग अलग सरप्राइजेस आते रहते हैं, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। डेविड के फ्रेंड को अवार्ड मिलने वाला था, तो कहता है कि तुम मेरे लिए इंट्रोडक्शन करना। डेविड भी इसके लिए मान जाता है। डेविड ने उसका इंट्रोडक्शन किया। डेविड का फ्रेंड स्टेज पर खड़ा हुआ, तभी उसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अपने लास्ट मोमेंट पर वो किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा सैड थी। डेविड ने कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता था। अब इसके बाद उसकी डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरोलिन और डेविड दोनों एक साथ थे। डेविड एक बात रियलाइज करता है, कहता है हम हमारी लाइफ बहुत ही अजीब तरीके से जीते आए, हमेशा एक राइट पार्टनर को ढूंढते आए। 15 साल पहले तुम प्रेग्नेंट थी, पर वो रिलेशनशिप भी तुम्हें बहुत ही गलत लगी थी। ऐसे हमारी लाइफ में कभी भी राइट पार्टनर आया ही नहीं। वो कैरोलाइन को कंसुला के बारे में ऑनेस्टली बता देता है। कैरोलाइन कहती है मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ही अकेली हूँ, कभी कभी मुझे इंटीमेट होने के लिए पे करना पड़ता है। पूरी लाइफ उसने अकेली गुजारी है, पर वो कहती है बहुत सारे कपल्स होते हैं, जिस तरीके से हम बात करें वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कर नहीं पाते। एटलीस्ट हम दोनों में एक ऑनेस्टी है, एक फ्रेंडशिप है जो हमने आज तक कंजर्व करके रखी है। अब इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 2 साल बीत चुके थे। डेविड ने भी मूव ऑन कर लिया था। एक दिन अचानक से उसे कंसुला का मैसेज आता है, उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी, पर डेविड ने इस मैसेज को टाल दिया। वो डर रहा था कंसुला की लाइफ में क्या चल रहा होगा। एक दिन वो डायरेक्टली उसे कॉल करती है और कहती है तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। डेविड ने उसे अंदर बुलाया, एक दूसरे को हक करते हैं। कंसुला के हेयर शॉर्ट हो चुके थे। डेविड की पूछने पर वो कहती है कि मैं खुद ही इसे काट रही हूँ, इसके जाने पर फिर मुझे दुख नहीं होगा। उसे पता चला था कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। डेविड को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो रोने लग गया। कंसुला कहती कि तुम मुझे हमेशा ब्यूटीफुल समझते थे, अब मेरा ये जो हाल है तो मुझे तुमसे भी ओल्ड लग रहा है। डेविड कहता है कि प्लीज़ मुझे एक बात प्रॉमिस करो कि जब भी रात में तुम्हें कुछ भी गलत लगे या तुम्हें किसी से बात करनी हो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना। कंसुला ने भी प्रॉमिस किया। उसे लगता है कि अपने लाइफ का उसने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया, सोने में, रिलेशनशिप में, एक दूसरे से झगड़ने में। वो कहती है जितना तुमने मुझसे प्यार किया था उतना कोई भी नहीं कर सकता, अब मेरी ब्यूटी मिटने से पहले प्लीज़ मेरी कुछ पिक्चर्स निकालो। डेविड ने भी उसकी बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स ली। एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। डेविड कंसुला के साथ हॉस्पिटल में रहना चाहता था, उसे हर स्टेप पर सपोर्ट करना चाहता था, पर कंसुला कहती है मुझसे ज़्यादा तुम डरे हुए हो, प्लीज़ इन सब से तुम मत गुजरो। डेविड ने अपने बेटे से अच्छे डॉक्टर का पता लेकर कंसुला को दे दिया। उसका अब ऑपरेशन होने वाला था। डेविड अपने बेटे से सारी चीज़ों को लेकर बात करता है। उसके बेटे ने अपने अफेयर को छोड़ दिया था, वो अपनी वाइफ के साथ अब खुश था। कंसुला का ऑपरेशन होने के बाद वो डेविड को अपने पास बुलाती है। कंसुला कहती है कि मेरे ब्रेस्ट काट दिए गए हैं, क्या मैं तुम्हें अभी भी ब्यूटीफुल लगती हूँ। डेविड कहता है कि एक लड़की आर्चरी की एक्सपर्ट थी, उसने भी अपना ऑपरेशन करवा लिया था, उसके बाद वो सबसे बेस्ट हो गई, वो पावरफुल बन गई थी। वो कंसुला से पहले भी प्यार करता था और अब भी करता है, उसे उसकी बॉडी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डेविड ने कंसुला का फर्स्ट क्लास जो लिया था इसके बारे में कंसुला को सब कुछ पता था, वो भी फर्स्ट मोमेंट से ही उसके प्यार में थी। अब इनके पास जो भी टाइम बचा था ये दोनों एक साथ ही स्पेंड करते हैं। अब लाइफ में आगे क्या होगा इन दोनों को नहीं पता, पर इन्हें एक साथ रहना है इस पर ये दोनों फर्म हैं। इसी के साथ इस मूवी की बहुत ही ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।